गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 की एडवांस अकाउंटिंग की जो क्वेश्चन पेपर है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की क्वेश्चन पेपर अक्टूबर 2023, इसका सेकंड पार्ट हम लेने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट का जो मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने थ्योरी पार्ट कवर किया था और उसी के साथ रेशियो एनालिसिस का प्रॉब्लम एंड ब्रांच अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया था। अभी इस वीडियो में हम लेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज फाइनल अकाउंट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज फाइनल अकाउंट का जो प्रॉब्लम है अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले वीडियो में हमने क्या किया था, तो पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन पेपर का जो थ्योरी पार्ट है वो लिया था, उसका सॉल्यूशन भी मैंने बताया था और दो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे। एक था रेशियो एनालिसिस का, दूसरा ब्रांच अकाउंट का। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी फाइनल अकाउंट। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का आया था। तो इस प्रॉब्लम में ट्रेडिंग अकाउंट भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आएगा और बैलेंस शीट भी। अभी अगर हम बुक देखेंगे तो बुक में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी प्रोफार्मा है एंड बैलेंस शीट को भी है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ये मॉडल आंसर में से लिया गया सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन के अनुसार अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर्मेट जहां पर जरूरी है वहीं पर लेंगे, रिमेनिंग पार्ट में नहीं लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बैलेंस शीट आपको फॉर्मेट के अनुसार ही तैयार करना होगा। मतलब आपको सभी फॉर्मेट नहीं लिखना है, जो जो आइटम आएंगे वही आइटम आप प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में लिखिए, बाकी आप डायरेक्टली पोस्टिंग करेंगे तो भी चलेगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ कृष्णा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड परभणी, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ कृष्णा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड परभणी एज ऑन 31 मार्च 2023 प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो हमें ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम दिए गए हैं तो उनके पोस्टिंग के अनुसार हम चलेंगे, या फिर आप अगर फॉर्मेट के अनुसार जाएंगे तो भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, परचेसेस है, कैरिज इनवर्ड है। तो ये तीनों आइटम आएंगे प्रॉफिट सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। देन सेल्स, सेल ऑफ एम्प्टी बैग्स, ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। रिटर्न आउटवर्ड जो है वो परचेसेस में से लेस होगा, रिटर्न आउटवर्ड। तो यहाँ तक जो आइटम है वो सभी कहाँ पर जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो पहले हम ओपनिंग स्टॉक से लेकर रिटर्न आउटवर्ड तक के आइटम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कृष्णा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड परभणी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। तो स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से। टू ओपनिंग स्टॉक 12,000 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। देन टू परचेसेस इनर कॉलम में लीजिए 3,27,000, उसमें से रिटर्न आउटवर्ड माइनस कीजिए 5,000, आउटर के कॉलम में 3,22,000। देन कैरिज इनवर्ड 4,000 डेबिट में आएगा ट्रेडिंग के। सेल्स आएंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 3,44,000 एंड बाय सेल ऑफ एम्प्टी बैग वो भी आएंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट में 14,000। यहाँ तक जो आइटम थे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में वो हमने क्या किए हैं, पोस्टिंग किए हैं। अभी हम नेक्स्ट आइटम लेते हैं पोस्टिंग के लिए। तो देखिए यहाँ तक पोस्टिंग हुई थी हमारी। अभी नेक्स्ट आइटम है सैलरी। तो जनरली हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम पहले इंटरेस्ट लेंगे, बाद में सैलरी की पोस्टिंग करेंगे।
यहाँ पर देखिए सेकंड आइटम है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट लोन 720। उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या वो हम चेक कर लेंगे पहले। तो देखिए एडजस्टमेंट में कहाँ पर भी इंटरेस्ट के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पहले हम इंटरेस्ट पोस्टिंग करेंगे, बाद में हम जो सैलरी है वो पोस्टिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखिए टू इंटरेस्ट, यहाँ पर दो ऑप्शन लिखने हैं पेड एंड पेबल। तो आप पेड के सामने लिखिए 720, आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट आइटम लीजिए टू सैलरीज एंड अलाउंसेस टू स्टाफ। अभी आप बोलेंगे कि वहां पर तो सैलरी बताया गया था, यहाँ पर हमने सैलरीज एंड अलाउंसेस टू स्टाफ क्यों लिया? क्योंकि जो फॉर्मेट है, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फाइनल अकाउंट के वीडियोस देखेंगे, आपको वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे प्लेलिस्ट। तो वहां पर मैंने सभी फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो उस फॉर्मेट के अनुसार हमें इसी तरह से टाइटल देना होगा। तो वो लिखे हमने 12,000। नेक्स्ट आइटम हम लेंगे, क्योंकि सैलरी के ऊपर भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो नेक्स्ट आइटम हम अभी लेंगे सैलरी के बाद में है, इंटरेस्ट की पोस्टिंग हो गई है, जनरल एक्सपेंसेस। तो जनरल एक्सपेंसेस के लिए सेपरेट हेडिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो वहां पर हम जनरल एक्सपेंसेस लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए भी सेपरेट हेडिंग होता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड जनरल एक्सपेंसेस हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो पहले हमने लिखी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1420। उसके बाद जो सीक्वेंस में आती है वो आती है ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस के लिए आप वन लाइन छोड़ दीजिए, बाद में लिखिए टू जनरल एक्सपेंसेस 150, क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस के अनुसार जा रहे हैं। अगर फॉर्मेट के अनुसार जाते तो पहले हमें पहले सभी फॉर्मेट ड्रॉ कर लेने होते हैं, बाद में हम पोस्टिंग करते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पहले ही ड्रॉ करके रखना पड़ेगा, बाद में पोस्टिंग करनी होगी। अभी नेक्स्ट आइटम है कैश इन हैंड कैश एट बैंक। जो बैलेंस शीट की एसेट साइड है उसकी स्टार्टिंग ही कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक से होती है। सेकंड आइटम होता है इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का पोस्टिंग करेंगे, बाद में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मतलब इन्वेस्टमेंट है तो उसकी पोस्टिंग करेंगे इन्वेस्टमेंट के अंदर एसेट साइड में। तो देखिए आपको क्या करना होगा, बैलेंस शीट जो है उसके लिए इस तरह से फॉर्मेट पहले से लिख के रखना होगा। मतलब यहाँ पर जो जो आइटम आएंगे उसी के फॉर्मेट लिखे हैं, अदरवाइज बैलेंस शीट के एसेट साइड में 10 एंड लाइबिलिटी साइड में 11 फॉर्मेट होते हैं। तो देखिए फर्स्ट हेडिंग दिया हमने कैश एंड बैंक बैलेंस, उसके अंदर लिया कैश इन हैंड 4840, देन कैश एट बैंक 6000। सेकंड हेडिंग लिया इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 500। अभी नेक्स्ट आइटम हमारा ट्रायल बैलेंस का, हम ट्रायल बैलेंस के अनुसार जा रहे हैं। तो नेक्स्ट आइटम है हमारा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बाद इलेक्ट्रिसिटी। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इलेक्ट्रिसिटी आती है लास्ट में अदर आइटम में, तो हम लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी पोस्टिंग करेंगे। एडवांसेस जो है वो एसेट साइड में आएगा लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर, क्योंकि ये डेबिट में है। डेटर्स भी एसेट साइड में आएंगे, उसके लिए सेपरेट हेडिंग है सन्डे डेटर्स का। डेड स्टॉक जो है वो करंट एसेट के अंडर आएगा एसेट साइड में। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी पोस्टिंग करते हैं, बाद में हम बाकी के आइटम पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जनरल एक्सपेंसेस के बाद दो तीन लाइंस हमने छोड़ दी है और बाद में लिखा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्योंकि वो लास्ट में आता है अदर आइटम के अंदर 320। अभी एडवांसेस सन्डे डेटर्स पोस्टिंग करेंगे हम बैलेंस शीट के एसेट में। तो लोन्स एंड एडवांसेस के अंडर लीजिए एडवांसेस 850। यहाँ पर सन्डे डेटर्स बोल्ड करना रह गया है, सन्डे डेटर्स के लिए सेपरेट हेडिंग है, तो सन्डे डेटर्स हमने इनर कॉलम में लिए 5600, क्योंकि उसके ऊपर आरडीडी की एडजस्टमेंट है। तो देखिए यहाँ पर आरडीडी की एडजस्टमेंट है, तो हमें आरडीडी माइनस करनी है। मेक अ प्रोविजन ऑफ ₹200 फॉर बैड डेट, तो आरडीडी हमें 200 माइनस करनी है और उसका सेकंड इफेक्ट हम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। यहाँ पर हमने आरडी माइनस की 200, आउटर के कॉलम में 5400 एंड आरडी का सेकंड इफेक्ट दिया। यहाँ पर जो लाइंस छोड़ी थी तो जनरल एक्सपेंसेस के बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट यानी कि आरडी 200। अभी नेक्स्ट आइटम लेंगे हम
नेक्स्ट आइटम है डेड स्टॉक, वो आएगा करंट एसेट के अंडर। रिजर्व फंड लायबिलिटी साइड में आएगा, शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व फंड एंड अदर फंड के अंडर। एजुकेशनल फंड भी रिजर्व फंड एंड अदर फंड के अंडर आएगा। गवर्नमेंट लोन जो है वो सिक्योर्ड लोन के अंडर आएगा लायबिलिटी साइड में। तो पहले हम डेट स्टॉक रिजर्व फंड ये ट्रांसफर करते हैं। बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेट स्टॉक आएगा, सॉरी डेट स्टॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट है तो वो हमने फिक्स एसेट में लिया है। डेट स्टॉक करंट एसेट के लिए एक लाइन छोड़ दीजिए, बाद में लीजिए फिक्स एसेट, उसमें डेट स्टॉक 800, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट है 10%, तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया 10%, वो आया 80 रुपीज। आउटर के कॉलम में 720। डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट दीजिए यहाँ पर आरडीडी के नीचे, तो डेप्रिसिएशन डैश करके ऑन डेट स्टॉक 80 रुपीज। बिल्डिंग के ऊपर भी कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर इनर में ही रखेंगे इसको। नेक्स्ट हम रिजर्व फंड ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी साइड में। कैपिटल के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, बाद में लिखिए रिजर्व फंड एंड अदर फंड, इसके अंडर आएगा रिजर्व फंड, वो है 10,000। नेक्स्ट आइटम, सॉरी नेक्स्ट आइटम जो है वो है गवर्नमेंट लोन, वो आएगा सिक्योर्ड लोन के अंडर लायबिलिटी साइड में। एजुकेशनल फंड ये रिजर्व फंड एंड अदर फंड में ही आएगा, तो लायबिलिटी साइड में हम लेंगे सिक्योर्ड लोन के अंडर गवर्नमेंट लोन 6,000 एंड एजुकेशनल फंड हम लेंगे रिजर्व फंड एंड अदर फंड के अंडर 1,000। अभी नेक्स्ट आइटम है हमारा बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन यहाँ पर बताया गया है 10%, डेट स्टॉक के ऊपर था और 5% बिल्डिंग के ऊपर है, तो 5% डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे बिल्डिंग के ऊपर। बिल्डिंग 60,000 लेंगे हम फिक्स एसेट में, जहाँ पर अभी अभी हमने डेट स्टॉक लिखा था उसके नीचे की जो लाइन है वहां पर लिखिए बिल्डिंग, इनर कॉलम में 60,000 लेस डेप्रिसिएशन 5%, 3,000, आउटर के कॉलम में 57,000। और डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, यहाँ पर हमने डेट स्टॉक इनर कॉलम में लिखा था उसी के नीचे ऑन बिल्डिंग 3,000, टोटल आउटर के कॉलम में 3,018। अभी नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स एंड शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल बताया गया है, सो पहले हम ऑथराइज लिखेंगे बाद में इशूड एंड सब्सक्राइब। एंड क्रेडिटर्स जो है वो हम लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी के अंडर लेंगे। तो पहले ऑथराइज कैपिटल आएगा बैलेंस शीट में, बाद में हम इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल लेंगे। तो ऑथराइज कैपिटल शेयर कैपिटल के अंडर 5,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच, अमाउंट के कॉलम में 1 लाख, इसके नीचे डबल अंडरलाइन कर दीजिए क्योंकि ये कैलकुलेशन में नहीं आता है। देन इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 2,500 शेयर्स ऑफ 20 ईच 50,000। एंड क्रेडिटर्स जो है वो हम करंट लायबिलिटीज के अंडर लेंगे, क्रेडिटर्स 6,200। इस तरह से हमने ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग किया और उसी के साथ जिन जिन आइटम पर एडजस्टमेंट की वो भी कर दी। अभी रिमेनिंग एडजस्टमेंट हम चेक करेंगे। तो रिमेनिंग एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट है, उसका पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड सॉरी क्रेडिट साइड में, सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के करंट एसेट के अंडर। तो पहला इफेक्ट दीजिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 18,000, यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक 18,000। एंड सेकंड इफेक्ट जो है वो दीजिए बैलेंस शीट में, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, करंट स्टॉक नहीं है करंट एसेट है, उसके अंडर क्लोजिंग स्टॉक 18,000। सेकंड एडजस्टमेंट जो है वो है ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग की। अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस में ऑडिट फीस होती तो हम उसमें ये 500 ऐड कर देते, लेकिन ऑडिट फीस नहीं थी तो हम इसका इफेक्ट सेपरेट देंगे।
बाकी की सभी एडजस्टमेंट हो गई है तो ऑडिट फीस जो है वो हम लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। यहाँ पर देखिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद में हमने एक लाइन ब्लैंक छोड़ी थी, तो वहां पर लिखिए ऑडिट फीस 500। आप आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, और उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन के अंडर आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 500। अभी आपके सभी के मन में एक क्वेश्चन होगा कि हमने रिजर्व फंड आउटर के कॉलम में क्यों लिख दिया, क्योंकि रिजर्व फंड में हमें एक सेल्फ एडजस्टमेंट करनी होती है कि जो प्रॉफिट होता है प्रीवियस ईयर का, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, तो उसके ऊपर हमें 25% जो है रिजर्व फंड कैलकुलेट करना होता है। लेकिन यहाँ पर हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट नहीं दिया गया था, तो हम जो 25% के एडजस्टमेंट है सेल्फ एडजस्टमेंट वो इस प्रॉब्लम में नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है जिसके ऊपर हम रिजर्व फंड कैलकुलेट करते हैं 25%। तो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। अभी टैली करने की प्रोसेस है, तो टैली के प्रोसेस में पहले हम क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट की टोटल आई 367,000, इसमें से डेबिट माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आई 38,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड 38,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर लिखिए ब्रॉड डाउन 38,000। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज कीजिए, 38,000 क्रेडिट की टोटल डेबिट में लिखी, इसमें से डेबिट माइनस करके नेट प्रॉफिट आया 19,610। यहाँ पर देखिए मार्क्स बताए गए हैं, तो 4 मार्क्स ट्रेडिंग के लिए है, 6 मार्क्स जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए है, और रिमेनिंग 10 मार्क्स बैलेंस शीट के लिए है। तो अभी हमारा जो प्रॉफिट आया है वो हम यहाँ पर लायबिलिटी साइड में लास्ट में लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर नेट प्रॉफिट 19,610, और बैलेंस शीट टैली कर देंगे, तो बैलेंस शीट टैली हो रहा है 93,310 को। तो इस तरह से हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी फाइनल अकाउंट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया है। इस प्रॉब्लम के लिए हमें फॉर्मेट लिखना होता है, फॉर्मेट के अनुसार ही हमें जाना होता है। तो आप डिसाइड कीजिए कि 3 प्रॉब्लम में से आपको कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ब्रांच अकाउंट, रेशियो एनालिसिस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी फाइनल अकाउंट, 3 में से कौन से भी 2 आपको सॉल्व करने हैं तो आप डिसाइड कीजिए। तो यहाँ पर हमारी जो क्वेश्चन पेपर है पूरी कंप्लीट हुई है, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने 2 प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन एंड थ्योरी ली थी, इस पार्ट में मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी फाइनल अकाउंट कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है अप्रैल 2023 की, तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप SPPU क्वेश्चन पेपर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अकाउंट के सभी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। हमारे चैनल पर अकाउंट, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, यूजी से लेकर पीजी तक सभी यूनिवर्सिटीज के लिए जो वीडियोस यूजफुल है तो वो सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है। थैंक यू।